तो अभी बीजेपी का जो काम देखने के बाद मेंटली जो अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का उसका काम करने का तरीका और उसने नॉरिस को कितना केयर से देखा है, कितना प्यार से देखा है और कितना डेवलपमेंटल प्रोग्राम में आगे लाया। और रिसेंटली आप हम लोग तो ताजुब है, नॉरिस का पीपल सब ताजुब है, क्योंकि नॉरिस में जैसे 5 मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर में शामिल किया है, एक मणिपुर से जे मेरा 12 भाई की तरह है आर के रंजन, इसको इतना अच्छा पोर्टफोलियो में डाल के दिया, और अरुणाचल से दिया एक, और असम से 2 दिया, और त्रिपुरा से 1 महिला को डाला। तो ऐसा करके इंडिया के हिस्ट्री में नहीं हुआ है कभी, सिर्फ मोदी जी का नेतृत्व में जो नॉरिस को देख रहा है, नॉरिस में कितना चेंज हुआ है डेवलपमेंट में, पीस में। मणिपुर में आप देखा होगा पहले जो अपने गवर्नमेंट आने से पहले मणिपुर क्या थे, हर एक दिन जनरल स्ट्राइक, बंद, ब्लॉकेड, किलिंग्स, फैक इनकाउंटर्स, कितना आदमी का जान गया, कितना रहने का मतलब ह्यूमन लाइफ वहीं पे नहीं था। तो लास्ट 4.5 ईयर्स में आप देखिए, विजुअली देखिए, प्रैक्टिकली देखिए, मोदी जी की गाइडेंस में और सेंट्रल लीडर्स की गाइडेंस में मणिपुर इतना पीसफुली जा रहा है और इतना डेवलपमेंट में आगे जा रहा है। तो इसलिए हम गोविंदा जैसे दोस्त, मेरा दोस्त है, हम लोग मिलके काम किया, हम भी थे कांग्रेस में, हम लोग मिलके स्टेट को कुछ बदलने के लिए हम ज्वाइंट से संकल्प लेके काम किया था,